सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करेंगे सोलेनॉइड वाल्व के ऊपर। ये दो सोलेनॉइड वाल्व है हमारे पास। इसका काम यह होता है कि ये लाइन कटअप होने पे पानी के फ्लो को रोक देता है और फ्लाई जाने के बाद ये पानी के फ्लो को आगे की ओर बढ़ा देता है। ये दोनों हमारे 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होते हैं। तो इसमें से कोई एक ख़राब है तो आज हम चेक करेंगे कि अगर ये ख़राब हो तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं और क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर ये रिपेयरेबल है तो हम इसे रिपेयर करके देखेंगे और ये क्यों, किस रीज़न से ये ख़राब हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है जिसके कारण हमें इसे चेंज करना पड़ता है। तो अगर ये चेक करके दोनों देखेंगे, क्योंकि हमारा दोनों 24 वोल्ट डीसी का है, हम इसके रेजिस्टेंस वैल्यू पहले चेक करके देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू इसमें ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि क्या है, हम इसे खोल कर चालू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके हम दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले वॉल्व को चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या फिर ये खराब है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्क्रू ड्राइवर की। हम इन दोनों की मदद से इसे खोल के और चेक कर सकते हैं। इसमें दो भाग होता है, एक सोलेनॉइड और एक वाल्व। सबसे पहले हम इन दोनों के रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे कि हमारे सोलेनॉइड वाल्व के अंदर की कॉइल जो है वो सही है या फिर नहीं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को पहले ओम्स की रेंज पर सेट करेंगे। ओम्स की रेंज पे हमने सेट कर लिया, अब हमने चेक करेंगे। ये दोनों सोलेनॉइड वाल्व के कॉइल हमारे सही है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें अगर सही है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए अब हम सोलेनॉइड वाल्व को खोलने जा रहे हैं। तो खोल कर हम देखेंगे कि ये रिपेयरेबल है या नहीं, हम इसे रिपेयर करके बना सकते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, एक सोलेनॉइड वाला हिस्सा ये है और ये इसे वाल्व कहते हैं। सोलेनॉइड और वाल्व, इन दोनों को मिलाकर सोलेनॉइड वाल्व बनता है। इसके अंदर कॉइल होती है और अब हम इसमें चेक करेंगे। ये तो हमारा सही है, हमारा सोलेनॉइड सही है। अब हम इसके वाल्व को चेक करते हैं कि वाल्व में क्या प्रॉब्लम है, देन वाल्व के अंदर क्या होता है। ये हमारी सोलेनॉइड के अंदर जाती है, इसके अंदर एक रॉड होता है और रॉड के ऊपर एक रबड़ लगी होती है और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। ज़्यादातर ये रबड़ ख़राब हो जाती है जिसके कारण ये हमें चेंज करना पड़ जाता है। इसकी जो ये हॉल है ब्लॉक है तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तब हम इसे खोल कर ओपन करके देखते हैं। इस फ्लुइड को हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसमें देखिए थोड़ी डस्ट लगी है, हम इस डस्ट को साफ कर लेंगे। इसके हॉल भी, ये जो पतले से हॉल है, ये भी ब्लॉकेज होने के कारण पानी के फ्लो को रोक दिया जाता है और इस पतले से हॉल से पानी नीचे की ओर चली जाती है। जैसे ही लाइन हमारा कटता है, हमारी लाइन जैसे ही कटती है, इस वॉल के ऊपर सोलेनॉइड में ये लगा होता है।
इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग इसके अंदर होती है और इसके ऊपर हमारा ये मेटल का रॉड लगा होता है जिसके ऊपर एक रबड़ होती है। ये रबड़ वाला हिस्सा नीचे की ओर होता है और ये अंदर चली जाती है। सोलेनाइड में जैसे ही लाइन जाता है, इसमें जैसे ही हमने 24 वोल्ट सप्लाई दिया, ये रॉड और स्प्रिंग अंदर की ओर खींचती है और ये रॉड अंदर चली जाती है। और जैसे ही ये अंदर जाती है, ये हॉल के ऊपर से ये उड़ जाती है और यहाँ से पानी आगे की ओर फ्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही सोलेनाइड से लाइन की कटती है तो ये स्प्रिंग वापस उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में वो पहले थी, मीन्स ये ऊपर जाने की बजाय ये छोड़ देती है। और ये जैसे ही नीचे आता है, ये रबड़ इस हॉल को ब्लॉक कर देता है जिसके कारण सडनली पानी के फ्लो को रोक दिया जाता है। तो इसमें हमें कुछ डस्ट देखने को मिला जिसे अभी हमने सफाई कर दी है। हालांकि ये वॉल्व हमारा ठीक था, ये हमारा वॉल्व ख़राब नहीं था, ये सारे चीज़ क्लियर है। अब हम देखेंगे कि शायद ये वॉल्व हमारा ख़राब हो, तो अब हम चेक करेंगे इन दोनों में अंतर क्या है जिसके कारण ये सही और ये ख़राब है। हालांकि रेजिस्टेंस वैल्यू दोनों में सेम था, तो कॉइल हमारा ठीक है। बाकी हम वॉल्व चेक करके देखेंगे कि वॉल्व में क्या प्रॉब्लम है इसमें। खोलकर चेक कर लिया कि दोनों सही है। उसके बाद हमने इन दोनों को खोल के इसकी सफाई भी कर ली, सर्विस कर ली, तो इन दोनों में इतने सारे डस्ट निकले। इसका मतलब कि हाँ, हम लोग खुद से अपने घर पे ही सोलेनाइड वॉल्व को खोलकर सफाई कर सकते हैं, हमें किसी टेक्नीशियन कि हम खुद से ही सोलेनाइड वॉल्व को खोलकर सफाई कर सकते हैं, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉइल शॉर्ट है या जल गया है, अगर रेजिस्टेंस वाली शो नहीं हो रही है, ओपन हो गई है, तब जाकर हम सोलेनाइड वॉल्व को चेंज करेंगे। अगर रबड़ कट गई है, बुश से लीकेज है, तभी जाकर हम इसे चेंज करेंगे, वरना हम इसे एक बार खोल के सफाई कर दें तो हमारी इतने सारे डस्ट निकली है। तो अभी हमने ये खोल कर सफाई कर दी, तो हमारे दोनों के दोनों सोलेनाइड वॉल्व हमारे ओके हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।